क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं कि हमारे पास अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे जो बॉडी का वेट है, वेट क्या होता है, एम जी के बराबर, 72 न्यूटन। अगर इसको एच इक्वल्स टू 2 आर हाइट पे ले जाओगे, यहाँ पे एच बराबर 2 आर हाइट पे, तो इसका वेट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मेरे को पता हो कि जी कितना हो जाएगा, और जी डैश किसी भी हाइट पे जी डैश निकालना होता है, तो जी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एच वेरी वेरी लेस देन आर नहीं है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने पहले बताया आपको, जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जी एम आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम बाय 4 आर स्क्वायर, और सरफेस पे कितना होता है जी, जी एम बाय आर स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करो ज़रा, तो ये हो जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय 4 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, जी की वैल्यू है जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम जी एम कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, जी डैश बाय जी क्या है बेटा, 1/4। अच्छा, ऊपर और नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया एम जी डैश, और ये बन गया एम जी बराबर 1/4। तो यहाँ से एम जी क्या हो जाएगा, एम जी मतलब डब्लू, एम जी डैश मतलब डब्लू डैश, है ना, 1/4। तो डब्लू कितना दिया हुआ है अपन को, 72 तो डब्लू दिया हुआ है 72। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, है ना, तो डब्लू डैश कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, 8 kg। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।